हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल चलो लर्न करते हैं। और मेरा नाम है मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंग्लिश वर्कशीट का पार्ट टू। पार्ट वन मैंने आपको वीडियो बनाकर दे दिया है, उसका मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर में भी, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल बटन पर भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ओके। तो फिर तो आज सबसे पहले है रेमिंग वर्ड्स। रेमिंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स भी आता है बच्चों को UKG में, जैसे सन है तो सन का दो रेमिंग वर्ड्स भी लिखने के लिए आता है या एक ही रेमिंग वर्ड्स आता है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक पूछा जाता है कि दो पूछा जाता है। तो सन का हो गया फन, रन, TEN 10, MEN मैन, DEN डैन। जैसे ये दे दिया जाएगा और यहाँ पर बोला जाएगा लिखने के लिए, ठीक है। PAD पैड, DAD डैड, LAD लैड, ZIP जिप, TIP टिप, LIP लिप। तो ये रेमिंग वर्ड्स आपको दिए जाते हैं बच्चों को। उसके बाद फिर दिस, दैट, दिस, दोस का यूज़ करने के लिए दिया जाता है। जिससे अगर कोई जो थिंग्स है, अगर कोई चीज़ हमारे पास है तो वहाँ दिस का यूज़ किया जाता है। कोई चीज़ हमारे पास हो और एक ही हो तो वहाँ दिस का यूज़ किया जाता है, और अगर कोई चीज़ हमसे दूर है और एक ही है तो वहाँ दैट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इज़ अ ट्री, दैट इज़ अ पेन, क्योंकि ये दूर है और एक ही है। लेकिन जब कोई चीज़ पास हो और बहुत सारे हो, मतलब एक से ज़्यादा हो, तो वहाँ क्या यूज होगा, दीज। इस तरह से आपको बच्चों को समझाना है। और जब कोई चीज़ जो एक से ज़्यादा हो और दूर हो तो वहाँ क्या यूज होगा, दोज। दोज आर बॉस, दीज आर कैट्स, ठीक है। यहाँ दिस की जगह दीज का यूज हुआ है प्लूरल में, ठीक है, और दैट की जगह दोज का यूज हुआ है प्लूरल में, ठीक है। दोनों का दूर दूर होना चाहिए और दिस के लिए कोई भी वस्तु पास पास होनी चाहिए। ये बच्चों को अच्छे से क्लियर कर दें, ठीक है। तो ये भी आता है। उसके बाद आपको बच्चों को लिखने के लिए दिया जाता है व्हाट इज़ योर नेम, तो बच्चे को लिखना आना चाहिए माई नेम इज़, जो भी उनका नाम है। फिर हाउ ओल्ड आर यू, तो आई एम 5 ईयर्स ओल्ड, 6 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। इस तरह से बच्चों को लिखने के लिए दिया जाता है। फिर वेयर डू यू लिव, तो आई लिव इन, जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ का नाम। फिर कलर्स नेम आता है, रेड, ब्लू, ग्रे, 5 ही पूछे जाते हैं कलर्स नेम, ठीक है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता, 5 ही पूछे जाते हैं कलर्स नेम। फिर डेज ऑफ द वीक्स, संडे, मंडे, ट्यूजडे, ये सब। आप डेज को कैसे याद करा सकते हैं इंग्लिश में, उनकी स्पेलिंग कैसे याद करा सकते हैं, मैंने इस पर वीडियो बनाया है। मैं कोशिश करूँगा कि उसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। ये हो गया। फिर माई सेल्फ लिखने के लिए आता है, ठीक है, माई नेम इज़ जो भी है। फिर आई एम 5 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, आई लिव इन, जहाँ भी रहते हैं। फिर उसके बाद फिर आई स्टडी इन क्लास UKG, फिर आई एम ए गुड बॉय या फिर गर्ल, ये मैंने आपको बता दिया है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, माई सेल्फ पे। तो आप ये देख लीजिएगा, मैंने 5 बता भी दिया है। फिर साउंड ऑफ डबल ओ, डबल ओ, जैसे ओ साउंड होता है तो उसमें डबल ओ आना चाहिए। जैसे क्या हो गया, मून हो गया, सून हो गया, इस तरह से, ठीक है, नून हो गया, इसी तरह डबल ई साउंड भी आता है, पूछा जाता है, ओके। तो ये सब चीज़ आपको याद कराना होगा बच्चे को। तो इसमें आपको एक और चीज़ आता है, सर्कल द ओड वन आउट, ठीक है। इसमें क्या करना है, जैसे ये है लायन, टाइगर, फॉक्स, काउ, तो ये देखिए बच्चों को पहचानना है कि ये तीनों जो है वो एक जैसा है, ठीक है, क्योंकि तीनों वाइल्ड एनिमल है लेकिन काउ पेट एनिमल है। तो इसे क्या करेंगे बच्चे, इसे सर्कल कर देंगे। फिर इसी तरह ये रोज, ट्यूलिप, सनफ्लावर, मैंगो ट्री, अब ये चारों में अलग कौन सा है, तो ये तीनों तो फ्लावर है पर ये क्या है, मैंगो ट्री, तो ये हो गया ट्री। तो इसका मतलब है कि ये हो गया आपको सबसे डिफरेंट, तो इसे सर्कल कर देंगे। फिर है पोटैटो, टोमेटो, ऑनियन, एप्पल, अब ये बच्चे देख करके समझ जाएंगे कि अरे ये तो वेजिटेबल्स नेम है लेकिन ये फ्रूट्स नेम है, तो ये सर्कल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बहुत सारे, मतलब 1, 2, 3 मैंने दिए हैं, आप चाहे तो और भी आगे बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है, इससे बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा और लर्निंग पावर भी बढ़ेगा। अब ये है एनिमल्स, बेबी, ये भी आता है UKG में, जैसे काउ का क्या हो गया बेबी, काफ, लायन का कब, शिप का लैम्ब, डॉग का पपी,
ठीक है, और कैट का किटन, और भी बहुत सारे एनिमल्स बेबी, एनिमल्स के बेबी के नेम हैं, तो आप इस तरह से भी फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे भी आप वर्कशीट बना के दे सकते हैं, चाहे तो मैचिंग के तौर पर भी आप वर्कशीट बनाकर दे सकती हैं, ठीक है। तो आप ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर ले, दोनों चीज़ दे दें, एक मैचिंग भी दे दें और एक फिल इन द ब्लैंक्स भी दे दें। तो इस तरह से बच्चे का जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो मैंने पहला वीडियो बनाया हुआ है, आपने देखा होगा पहला वीडियो, मैं ऐसे लिंक में भी डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी इंग्लिश वर्कशीट का पार्ट वन का, ठीक है। तो ये सब मैंने आप दे सकते हैं बच्चों को, ठीक है। फिर वीडियो मेरा पसंद आएगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं बच्चों के लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहती हूँ। और 6-7 क्लास का भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है उसका, क्लास 6 का प्लेलिस्ट भी है, ठीक है। 7 क्लास के लिए भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। ओके, फिर थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।